हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने दरेज इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, हम लोग क्लास 11th की फिजिक्स देख रहे हैं, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मोशन इन अ प्लेन, है ना, यानी कि समतल में गति। इसको हम लोग 2D मोशन भी कहते हैं, ठीक है। तो सारी बातें हम लोग डिस्कस करी थी प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पिछले वीडियो लेक्चर में। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने सारी बातें कर ली थी कि किस एंगल से फेंकें तो मैक्सिमम रेंज गेन करेगा, कितने समय तक हवा में रहेगा यानी कि फ्लाइट ऑफ टाइम, क्या मैक्सिमम हाइट गेन करेगा, है ना, और कितना टाइम लगेगा उसको कि मतलब कितना टाइम लगेगा उसको ज़मीन में आने में, यानी सारी बातें हम लोगों ने पिछले टर्म में वीडियो लेक्चर में डिस्कस करी हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सर्कुलर मोशन के बारे में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि सर्कुलर मोशन भी कैसा मोशन है, एक प्रकार का 2D मोशन है, ठीक है ना। तो अब बातचीत करते हैं हम लोग आगे की बातें, 2D मोशन कैसे है। देखिए, जैसे ये सर्कुलर मोशन होता है तो देख लीजिए आप, यहाँ पर देखिए x के चेंज होने के साथ साथ y भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। देख लीजिए x के चेंज होने के साथ साथ क्या हो रहा है, y भी देखिए चेंज हो रहा है, ये देख रहे हैं। तो जहाँ पर दो एक्सिस एंगेज हो जाएं चेंज होने को, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, 2D मोशन। तो इसलिए सर्कुलर मोशन भी क्या है, एक टाइप का 2D मोशन है। तो आइए डिस्कस करते हैं सर्कुलर मोशन के बारे में। तो अगर मैं नॉर्मल वे में बात करूँ, सबको पता है ना, कि अगर कोई पार्टिकल एक प्लेन में इस तरीके से मोशन करे, है ना, कि एक फिक्स पॉइंट से एक फिक्स डिस्टेंस पर घूमता रहे, तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, सर्कुलर मोशन कहते हैं, ठीक। तो आइए, तो जो फिक्स पॉइंट होता है उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ सर्कुलर मोशन, और जो फिक्स लाइन होती है यानी फिक्स डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं रेडियस, ठीक है। और वो जो स्ट्रक्चर बन के लोकस ऑफ पॉइंट बन के तैयार होता है ना, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, सर्कल। और चूंकि सर्कल बन गया तो सर्कल पे मोशन हो रहा है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन बोल देते हैं, ठीक है। तो आइए इसको फटाफट हम लोग लिख भी लेते हैं सारी कहानी अच्छे से, ठीक है। तो चलिए, मैंने आपको समझा दिया है, फटाफट लिख लेते हैं। लिखिए, when a particle moves in a plane, such that its distance from a fixed point remains constant, है ना, उसकी डिस्टेंस क्या रहती है, कॉन्स्टेंट रहती है। आगे लिखिए, then its motion is called as circular motion with respect to the fixed point, ठीक है। The fixed point या fixed point। अब देखिए, एक बात समझिएगा, हमने यही बताया था ना अभी, हमने आपको यही समझाया था कि when a particle moves in plane such that, कोई भी पार्टिकल अगर प्लेन में मूव करता है इस तरीके से, its distance from a fixed point, किसी फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस है, remains constant, बदले नहीं, तो क्या बोलते हैं, then its motion is called circular motion। तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन कहते हैं, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू दैट फिक्स पॉइंट। अब उस फिक्स पॉइंट को हमने क्या बोला, सेंटर बोलते हैं। अब फिक्स डिस्टेंस को रेडियस कहते हैं, आइए उसी को लिख लेते हैं फटाफट। तो अभी मैं लिख रहा हूं, द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर एंड डिस्टेंस इज कॉल्ड
एंड डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, है ना, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। तो ये सारी बातें आपने क्या कर ली बच्चा, डिस्कस कर ली बहुत अच्छे से, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, रेडियस बोलते हैं, है ना। तो चलिए आप जान गए हैं बहुत अच्छे से सारी कहानी, है ना। तो ये देखिए यही होता है, ये इसका फिक्स पॉइंट है, फिक्स डिस्टेंस है, है ना। अगर ये ऐसे क्या करेगा, मोशन करेगा तो क्या बनाएगा, एक सर्कुलर मोशन ही तो, सर्कुलर पाथ ही तो क्रिएट होगा, इसलिए इसका क्या नाम पड़ गया, सर्कुलर मोशन पड़ गया, ठीक है। तो चलिए हम थोड़ा सा आगे की बातें डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखिए नोट करके एक पॉइंट लिख लीजिए यहां पे, नोट करके, है ना, नोट करके एक पॉइंट लिख लेते हैं हम लोग फटाफट, नोट करके एक पॉइंट लिख लेते हैं, ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों इसको हम लोग लिखना शुरू कर देते हैं, ठीक है। देखिए जो सर्कुलर मोशन होता है, इसको सर्कुलर मोशन करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट को सेंटर की तरफ एक क्या लगता है, फोर्स लगता है, उसका होना बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके विदाउट आप सर्कुलर मोशन नहीं कर सकते हैं, मतलब जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करेगा ना तो सेंटर की तरफ एक फोर्स लगेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं बच्चों, सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्र बल बोलते हैं, और ये बहुत जरूरी है, बिना इसके सर्कुलर मोशन आप कर ही नहीं पाएंगे। तो यही बात आपको लिखनी है, लिख लीजिए सर्कुलर, है ना। फॉर सर्कुलर मोशन या ऐसे लिख लीजिए, हम बोल सकते हैं इन सर्कुलर मोशन, इन सर्कुलर मोशन मतलब सर्कुलर मोशन में, इन सर्कुलर मोशन देयर इज अ फोर्स, देयर इज अ फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर। इन सर्कुलर मोशन देयर इज अ फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर इज नोन एज, इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। किस नाम से जानते हैं बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। इस बात को आप ध्यान में रख के चलेंगे, ठीक है ना। और इसी सेंट्रीपिटल फोर्स को हम लोग अलग अलग तरीके से नाम देते हैं, जैसे मैं आपसे बता दूं कि जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, और क्या, फ्रिक्शन फोर्स, है ना, रिएक्शन फोर्स, टेंशन फोर्स एट्सेट्रा, है ना। तो सिंपल सी बात है, ये सारी कहानी हम लोग अलग अलग इसमें बोलते हैं। चलिए तो अब हम लोग बातचीत करने वाले हैं सर्कुलर मोशन के बारे में, हम लोग डिस्कस कर लिया, है ना। अच्छा एक बात और बता दूं मैं, कि जो सेंटर की तरफ फोर्स लगता है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। सेंटर के बाहर की तरफ भी एक फोर्स काम करता है, जिसको स्यूडो फोर्स भी बोलते हैं, छद्म बल। यानी कि स्यूडो का मतलब होता है एक्चुअल ऐसा कोई फोर्स काम नहीं करता, लेकिन आपको वो लगेगा ऑब्जेक्ट पे, ठीक है ना। इसलिए उसको बोलते हैं क्या, स्यूडो फोर्स, मतलब अपना रूप बदल के काम करता है वो। उसको वो कहां लगता है, सेंटर की दूसरी तरफ, यानी सेंटर से अपोजिट साइड में लगता है, है ना। तो हम लोग बातचीत करने वाले हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो आइए हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बातचीत कर लेते हैं, कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। तो तुरंत हम इसको डिस्कशन करेंगे सारी बातें। चलिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना। और जो बेटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, इसको थीटा से लिखते हैं। किससे लिखते हैं बच्चों, थीटा से लिखते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग थीटा से लिखते हैं। अब ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सबको पता है डिस्प्लेसमेंट क्या आता है, है ना। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है तो सर्कमफेरेंस पे कोई ना कोई डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो कैसे डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो उसको मैं फिगर के थ्रू आपको यहां बना के दिखा रहा हूं। जैसे ये देख लीजिए आप, ये रहा आपका सर्कल, है ना। अब यहां पे कहानी क्या है, यहां पे इसका क्या है, ये सेंटर ओ है, ये आपका रेडियस हो गया। मान लीजिए कोई पार्टिकल पॉइंट पी पे था, ये आपका रेडियस है। कहां था बच्चा, कोई पार्टिकल पॉइंट पी पे था, अब ये चलना शुरू किया, अब कहां पहुंच गया, पॉइंट क्यू पर पहुंच गया, यहां पर। तो सिंपल सी बात है, ये भी कितना है, रेडियस ही है आपका। तो आप यहां देख क्या पा रहे हैं, है ना,
यही होता है आपका फिक्स पॉइंट। तो यहां से पॉइंट पी से क्यू तक जाने में जो यहां पे डिस्टेंस ट्रेवल हुई, जो एंगल बना है, जो इसको बोलते हैं थीटा। क्या बोलते हैं? थीटा। तो इसी को बच्चा बोलते हैं क्या? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इस बात को आप ध्यान में रख के चलेंगे। तो चलिए हम लोग इसको लिख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो चलिए तो हम इसको समझ के लिखते हैं क्या। द एंग हम लिखेंगे एंगल ट्रैक्ड बाई पोजिशन वैक्टर। हम क्या लिख लें डेफिनेशन? कि एंगल ट्रैक्ड बाई पोजिशन वैक्टर ऑफ अ पार्टिकल पोजिशन वैक्टर ऑफ अ पार्टिकल moving with respect to some fixed point is called angular displacement। ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के नाम से जानते हैं। तो समझ गए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एंगल ट्रैक्ड बाय पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल। पार्टिकल है ना कोई, इसका देखो पोजीशन वेक्टर मतलब उसकी पोजीशन बताता है। मूविंग विद रिस्पेक्ट टू सम फिक्स पॉइंट, जो किसी फिक्स पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जो यहां पर मैंने थीटा से आपको बना के दिखाया है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बातचीत करते हैं आगे। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो फॉर्मूला हो जाता है बेटा, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ना, तो बच्चा क्या हो जाएगा यहां पे? सिंपल सी बात है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू हो जाएगा आर्क अपॉन रेडियस। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को लिखते हैं थीटा से आर्क कितना है बताओ। तो आर्क कितना है यहां से आते, देखिए आर्क ही तो है पी क्यू क्या है? आर्क है। यहां से यहां तक पूरा क्या है आपका? आर्क है। तो आर्क क्या हो जाएगा? पी क्यू है ना, आर्क पी क्यू अपॉन में क्या हो जाएगा? रेडियस आर। ये हो गया आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला। या आप इसको बोल सकते हैं क्या, लेंथ ऑफ आर्क को एल भी बोल सकते हैं। तो यहां पे आप क्या लिख देंगे? थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर भी लिख सकते हैं। गॉट इट। चलिए अब आगे बातचीत कर लेते हैं। तो इसका ऐसा, अब देखो इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर। इसका डायरेक्शन किधर होगा बेटा? इसका डायरेक्शन की भी बातचीत कर लेते हैं, डायरेक्शन किधर होगा। तो आप यहां पे एरो बना के लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे? इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड गिवन बाय राइट हैंड स्क्रू रूल। ये बस इतना लिखिए, सफिशियंट है। तो बच्चा इसका डायरेक्शन किधर होता है, यानी जो पार्टिकल मूव कर रहा है इसका डायरेक्शन किधर होगा? इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन। जिस प्लेन में वो घूम रहा है, जिस प्लेन में क्या कर रहा है बच्चों? वो रोटेशन कर रहा है, उसके क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है बच्चों? उसके परपेंडिकुलर होता है। बात समझ गए है ना, यानी बिल्कुल इस तरीके से, मतलब जैसे ये घूम रहा है तो देखो ऐसे जाएगा, फिर क्या जाएगा इसको ऐसे, यानी परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है। ठीक, चलिए तो हम आगे की बातचीत कर लेते हैं इसमें। इट इज डायमेंशनलेस। यहां पर दिख रहा है सबको? हाँ दिख रहा है, मैं साइड में लिख देता हूं यहां पे। इट इज, अगले रो में आप लिख लेंगे कि इट इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी है ना। ये क्या बेटा? इट इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। क्या है बच्चा? डायमेंशनलेस एंड एसआई यूनिट डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ये लिख दीजिए पहले। इट इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी और एसआई यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? चलो भाई बताओ एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? एसआई यूनिट क्या हो जाएगी जल्दी बताओ? रेडियन। क्या हो जाएगा बच्चा? रेडियन। क्या हो जाएगी बच्चा? रेडियन। और सबको पता है एक बात अच्छे से कि टू पाई रेडियन
टू पाई रेडियन इक्वल टू कितना होता है 360 डिग्री। भाई सबको पता है कि 2 पाई रेडियन इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 डिग्री, यानी कि पूरा पूरा 2 पाई रेडियन घूमेगा तो 360 डिग्री घूमेगा, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वन रेवोल्यूशन इज इक्वल टू वन रिवोल्यूशन, वन रिवोल्यूशन। बात समझ गए, एक चक्कर भाई 2 पाई रेडियन घूमेगा, तो यहां पे मान लीजिए जीरो पे है 2 पाई घूमेगा, पूरा 360 घूम गया तो 360 डिग्री हो गया, और इसी को आप क्या बोलते हैं कि वन रिवोल्यूशन पार्टिकल ने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं, है ना। तो देखो अब क्या करते हैं, समझ के चलिएगा एक बात अच्छे से कि स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी कि जब भी फिजिक्स में आपको अगर आपको स्मॉल क्वांटिटी दिखानी है तो स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डी थीटा से लिखते हैं। ये बात भी आप लिख लीजिए क्योंकि आपको अभी डिफरेंशिएशन नहीं पता होगा, तो एक स्पेशल क्लास बनाएंगे हम उसको जिसमें आपको कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आप नोट करके लिख लीजिए, नोट करके यहाँ भी लिख लीजिए, नोट करके क्या लिख लेंगे बच्चा पार्टी, नोट करके कि स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ डी थीटा है ना, इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इज अ वेक्टर क्वांटिटी बट लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, बट लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बट लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इज स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, लेकिन देखो जब छोटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है जिसको हम लोग डी थीटा बोलते हैं, है ना, हमेशा छोटी क्वांटिटी को डी थीटा से लिखते हैं, तो वो क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। लेकिन लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जो बड़ा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, वो क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम लोगों ने इसकी बातचीत करी। तो आइए थोड़ा सा हम लोग फ्रीक्वेंसी के बारे में समझ लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी किसे बोलते हैं, है ना। तो देखो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, तो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है एक सेकेंड में कितने रिवोल्यूशन कंप्लीट हो गया, उसे क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। जैसे आपका फैन घूम रहा होता है तो एक सेकेंड में कितने चक्कर घूम गया, तो फैन की क्या कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। बात समझ गए, ये होती है कहानी। तो फटाफट पॉज करके नोट डाउन करिए, फिर हम फ्रीक्वेंसी की बातचीत कर लें, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड कंप्लीट कर दे कम से कम यहां पे। आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा, ठीक है। देखिए कहानी क्या है, इसको हम लोग लिख लेते हैं फटाफट। अगला फ्रीक्वेंसी की बातचीत कर लेते हैं। अब देखिए फ्रीक्वेंसी की बातचीत कर लें तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सारे बच्चे बहुत ध्यान से अच्छे से समझेंगे कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी देखिए, फ्रीक्वेंसी की बातचीत करेंगे, है ना। फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं आवृत्ति, इसको एन से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, एन से भी लिखते हैं, कई इसके सिंबल वगैरह हैं। ठीक है, तो बच्चा पार्टी क्या है, देखो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, है ना। तो मैंने अभी क्या बताया, एक सेकेंड में कितने रिवोल्यूशन कंप्लीट होता है, उसे क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो आइए फटाफट लिख लेते हैं कि नंबर ऑफ रिवोल्यूशन नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, है ना, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन डिस्क्राइब्ड बाई पार्टिकल पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। बात समझ गए, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं।
बेटा फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, है ना, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी हो गया। चलो तो अब आगे बातचीत करते हैं, इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी बच्चा, एसआई यूनिट। चलो तो अब एसआई यूनिट क्या होती है फ्रीक्वेंसी की, हर्ट्ज। क्या होती बच्चा, है ना, हर्ट्ज। क्या होती बच्चा, या रेवोल्यूशन पर सेकेंड बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, रेवोल्यूशन पर सेकेंड, रेवोल्यूशन पर सेकेंड, रिवोल्यूशन पर सेकेंड, ठीक है, इसको RPS रिवोल्यूशन पर सेकेंड भी बोल सकते हैं, ठीक है, हर्ट्ज भी होती है। चलिए फ्रीक्वेंसी की बातचीत कर ली, अब बात करते हैं टाइम पीरियड की। किसकी बात करते हैं, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड उसको लिखते हैं कैपिटल टी से। अब मेरी बात ध्यान समझिएगा, कहानी क्या है कि टाइम पीरियड का मतलब देखो, एक सेकेंड में कोई सर्कुलर पाथ में जितना घूम गया उसे क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। अब यहां पर क्या है, टाइम पीरियड का मतलब होता है कि एक राउंड कंप्लीट करने में जितना समय लगा, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में जितना समय लगा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए इसकी बातें हम लोग नेक्स्ट आंसर करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है बच्चों।